और बेटे क्या हाल चाल? तुम्हारा भाई एकदम मस्त सेक्सी। तो भाई हमारा क्रिकेट के साथ कोई वास्ता नहीं आज के बाद, मतलब कल का जो ड्रामा होया ना उसके बाद जनाब सी कोई वास्ता नहीं। सीधी सी बात है भाई, हम ना ताल्लुक है क्रिकेट के साथ, हम नहीं जानते बाबर आजम कौन है, रिजवान कौन है, शाहीन कौन है, आरिज कौन है। नहीं मतलब पहले सारे बॉलरों के नाम से आप जक्की लगा दिया बैट्समैनों ने, हैं ये 1900 जनाब साहब जब से क्रिकेट खेला पाकिस्तान, जब से पाकिस्तान के बैट्समैन पर खुदा खुफी करो 22 करोड़ की आबादी है तुम्हारी, जिसमें तकरीबन तकरीबन 10 करोड़ आदमी है, उसमें से भी 5 करोड़ क्रिकेट खेलते होंगे। तो भाई तुम्हें कोई ऐसे ढंग के 4 प्लेयर नहीं मिले जो बैटिंग कर सके ऑस्ट्रेलिया में जाके, तुमको मतलब कोई है? मतलब ऐसे बड़े फर्मकार बड़े बैठे होते हैं, हैं 5 करोड़ में से 4 खेलने वाले प्लेयर नहीं है। पिछले साल की तरह बड़े पल्ले जनाब साहब मार रहे थे हमारे कप्तान साहब, हैं कि टेंशन नहीं लेनी है बॉयज, लाइट नहीं लेना। ठीक है लाइट नहीं लेना था, वो उसको अप्लाई भी करना था, हैं ऑस्ट्रेलिया में जाकर तुम जा सारे जनाब साहब यकी हो जाते हो, हैं ये मतलब क्या फ़ायदा है तुम्हारा जितकर खेलने का? नंबर 1 प्लेयर नंबर 2 प्लेयर थक के लाना था भाई, हैं वो चाचा रिजवान देख ले, बाबर आजम देख ले, हैदर को देख ले, वो जनाब साहब आसिफ अली को देखते, चाचा इफ्तार को देख ले। 5 करोड़ की आबादी मतलब बाकी ये मर्दों की मैं पाकिस्तान में 4 बैट्समैन अच्छे ना है, हैं आग लगा दे भाई ऐसी टीम को, सीधी सी बात है भाई, क्योंकि गुस्सा इतना चढ़ रहा है भाई, हैं नहीं मतलब इतनी मुश्किल से वर्ल्ड कप मैं ऑस्ट्रेलिया बाबा जी टीम मस्त है, जगह पाड़ देगी पाकिस्तान, है कम से कम सेमीफाइनल फाइनल में तो जावेगी ना, बाकी देखेंगे साहब। लेकिन खोता पहाड़ निकला चूहा है, मेरे को तो लगता है ये खान साहब वाला इन्हें जो धरना कर रहा है ना, है ये इनमें शरीक होना चाहते हैं क्या? महंगाई मुकाओ माँ से बहुत महंगाई हो रही है, प्याज नहीं लग रहे हैं, 200 रुपये के भी प्याज नहीं लग रहे, तो हमने जाना पाकिस्तान और ये मार्च में शामिल होना है, पाकिस्तान के बॉलर वहीं रहेंगे बैट्समैन आ जाएंगे, है और फ़ायदा तो आ ही नहीं भाई। हम तो ये कहेंगे कि भाई 10 के 10 जो है ना वो बॉलर के बॉलर खिलाओ, क्योंकि वही स्कोर बनाएंगे, छोटे पड़े इनको ये फजूल हैं, अपनी इज्जत बचाने वास्ते अपने खिलाड़ी को बचा, हर जगह एक तो ये पर्ची वाला सिस्टम घुसा रखा है ना गेंद में इन्होंने, कसम से गुस्सा इतना चढ़ रहा है नहीं मतलब जिम्बाब्वे जैसी टीम जो मुश्किल से क्वालिफाई करी है और हम जनाब साहब टॉप 3 में थक के ऐसे, कसम से भाई बहुत गुस्सा भाई क्या करें।